जब भी बात आती है फाउंडेशन के बीबीएस की तो आइसोलेटेड फुटिंग का जो आपका बीबीएस होता है वो ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स बना लेते हैं लेकिन जब बात आती है आपका राफ फाउंडेशन की तो मैक्सिमम सिविल इंजीनियर जो है वो आपका राफ फाउंडेशन का बीबीएस नहीं बना पाते हैं सो हेलो व्रीवन मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलीटूड एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आज की वीडियो के अंदर मैं आपको राफ्ट फाउंडेशन का बीबीएस जो है वो कैसे बनाया जाता है ऑटो कैड और एक्सेल की हेल्प से उसके बारे में डिस्कस करूंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन ना में मैंशन कर सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है आपको मिल जाएगी

आपकी जो बार की प्लेसिंग है वो ड्राइंग के अंदर किस तरीके से दी गई है तो फिर आप बड़े आसानी से जो है उसका जो है 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 उसका वो आप बना ले जाओगे अभी मेरे पास ये ड्राइंग अंदर आपके एक टावर वन लिखा हुआ है और ऊपर की तरफ आपका टावर टू है तो ये जो टावर टू है ये बी प्लस जी प्लस सिक्सटीन फ्लोर का आपका ये टावर है और येलो कलर से जो है ये मैंने जो हाईलाइट किया है ये येलो कलर से इसकी बाउंड्री जो है बेसिकली क्या आपका मार्क है इसकी डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो एक साइड की इसकी जो डायमेंशन है वो है आपका यहाँ पे फोर्टी फाइव मीटर ठीक है और दूसरी साइड की जो इसकी आपकी डायमेंशन है वो है आपका अराउंड थर्टी सेवन के आसपास होगी और ये दूसरी साइड की इसकी जो डायमेंशन है वो थर्टी सेवन मीटर है तो फोर्टी फाइव मीटर बाई 37 मीटर का मेरे पास में यहाँ पे ये जो है टावर है बेसिकली इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन भी है साथ ही साथ आइसोलेटेड फुटिंग भी है तो दोनों कॉम्बिनेशन इसके अंदर है आपका अब हम चलते हैं सबसे पहले इसकी ड्राइंग अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ आपसे कि राफ्ट भी है और आपका आइसोलेटेड भी है तो वो कैसे है? यहाँ पे देखो आपका वाई वाई सेक्शन एक कट है आपका तो हम सेक्शन वाले ड्राइंग के अंदर चलेंगे जिसके अंदर आपका यहाँ पे वाई वाई सेक्शन की डिटेल आपका दी गई है तो ये जो ड्राइंग अभी आप देख रहे हो बेसिकली ये वाई सेक्शन की जो है आपका डिटेल है मैं एक मिनट बैकग्राउंड जो है इसका आपका चेंज कर लेता हूँ चलिए तो अभी आप जो सेक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली ये मेरा सेक्शन है वाई वाई जो अभी हम लोगों ने आपका प्लान के अंदर देखा था तो ये जो इतना पार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली ये वाला जो आपका पार्ट है ये वाला पार्ट है मेरा आइसोलेटेड फुटिंग का ठीक है और इसी के साथ आपका यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है आप इधर राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे और इधर लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे तो ये है आपका क्या राफ्ट फाउंडेशन तो बेसिकली इसके अंदर क्या आपका राफ्ट फाउंडेशन भी है और जिस पोर्शन पे आपका कोलम है वहां पे आपका जो है आइसोलेटेड फुटिंग भी वहां पे दी गई है अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात क्या है हम बात कर रहे हैं राफ्ट फाउंडेशन की तो राफ्ट का जो आपका रेनफोर्समेंट है वो 1250 सो पचास जो है आ, किसके अंदर आपका फुटिंग के अंदर आपका गया हुआ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राफ्ट का जो बॉटम मैस है वो है आपका 25 एम एम का डाया है और आपका यहाँ पे 200 हंड्रेड एम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है टॉप रेनफोर्समेंट जो है वो आपका 25 फाइव एम डाया है और 150 फिफ्टी एम जो है आपका यहाँ पे सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग है और ये अंदर जो है आपका, आपका साढ़े बारह जो है आपका फुटिंग के अंदर गया हुआ है ठीक है तो किस तरीके से प्लेस होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ तो ये मेरी ड्राइंग है बेसिकली जैसे मैं आपका इसी फुटिंग के बीच में यहाँ पे ले लेता हूँ आपका तो बेसिकली मैं कोई एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये मेरी एक लाइन हो गई जो मेरी आपकी रे है इसके बाद में ये आपका साढ़े बारह सौ कहाँ गया, गया है अंदर गया है तो यहाँ पे एल एंटर 1250 में इसको आपका अंदर ले लेता हूं आपका ये 1250 मेरा यहाँ पे तक गया है सेम ऐसे ही मेरा आपका जो है एल एंटर में इधर करूंगा आपका सेम ऐसे ही 1250 मेरा जो है आपका इधर गया है तो ये टोटल मेरी देखो यहाँ पे कैसे इसका आपका बीबीएस बनेगा टोटल आपकी जो फुटिंग है उसके बीच की डिस्टेंस तो यहाँ पे देखोगे आप इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपका 3625 और 1250 राइट साइड में अंदर गया है और 1250 जो है आपका लेफ्ट साइड में अंदर गया है ये तो था आपका बीच वाले पार्ट का सेम रहेगा आपका टॉप और बॉटम दोनों इसी तरीके से आपका प्लेस होगा अगर मैं आता हूँ एंड जोन पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये यह मेरा एंड जोन है तो यहाँ पे एंड जोन पे आपके ड्रॉइंग के सेक्शन के अंदर देखोगे तो एंड जोइन के जोइन जो है आपका एंड जोन वहां पे आपका देखो किस तरीके से गया है 1250 तो सेम आएगा अंदर जैसे आपका उसके बाद ये मेरा ऑफसेट है ऑफसेट के बाद फिर आपका यहाँ पे एल है इस तरीके से तो यहाँ पे अगर आप आओगे फुटिंग के अंदर तो मेरा यहाँ पे फुटिंग से जो राफ्ट है उसका ऑफसेट कितना है 600 हंड्रेड mm का मेरा यहाँ पे ऑफसेट है आप चेक कर सकते हो जैसे ये फर्स्ट पॉइंट ये देखो आपका सिक्स हंड्रेड mm. सिक्स हंड्रेड एम मेरा ये हो गया साथ ही साथ मेरी जो फुटिंग के अंदर जो रेनफोर्समेंट जाएगी वो कितनी जाएगी बारह सौ पचास जाएगी और मेरी जो राफ्ट की थिकनेस है वो कितनी है सात सौ तो आपका बोथ साइड एल आपका एल आएगा उसके अंदर जो कि टॉप एंड बॉटम में से कवर माइनस करके आप उसको कर सकते हो अब इसको एक्सेल के अंदर कैसे शो कराना है वो मैं आपको यहाँ पे जो है दिखाता हूँ बेसिकली आ, ये मेरी जो फुटिंग है दोनों के साइज़ में लिख लेता हूँ ये मेरी फुटिंग यहाँ पे है आपका चार मीटर फोर मीटर बाई फोर मीटर की है तो मैं यहाँ पे फोर मीटर के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा और ये वाली जो है मेरी आपका तेतालीस सौ बाई तेतालीस सौ की है तो बीच वाला जो है मैं आपका यहाँ पे सॉरी ये ये वाली आपकी फर्स्ट पॉइंट ये मेरा सेकंड पॉइंट तेतालीस सौ और यहाँ पे भी मेरा आपका फर्स्ट पॉइंट और ये मेरा आपका यहाँ पे सेकंड पॉइंट तेतालीस सौ ठीक है तो दोनों दिखाऊंगा एंड वाला भी दिखाऊंगा और बीच वाला भी आपका यहाँ पे दिखाऊंगा तो चलते हैं एक्सेल की सीट के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका जो है राफ्ट फाउंडेशन राफ्ट फाउंडेशन टावर वन टी वन में आपका यहां पे डाल देता हूं और यहां पे एंड टॉप बार ठीक है क्लियर हो गया डाया मेरा कितना था आपका ट्वेंटी फाइव था नंबर ऑफ बार वगैरह अभी हम स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि मेरा यहाँ पे ए कितना आएगा ठीक है उसके बाद में मेरा बी कितना आएगा उसके बाद सी कितना आएगा तो फुटिंग की सेप के अंदर चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए बी सी यहाँ पे जो है आपका ड्रॉ कर लेते हैं चलिए तो ये मैंने कॉपी किया ये मैंने यहाँ से कॉपी किया क्लियर कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो कुछ इस तरीके से मेरा जो है आपका यहाँ पे रेनफोर्समेंट रहने वाली है ये वाला जो पार्ट है मेरा ये मेरा ए है आपका ये मेरा कौन सा रहेगा आपका ये मेरा ए पार्ट रहेगा और ये वाला जो है मेरा यहाँ पे बी वाला पार्ट रहेगा तो सी इसके अंदर आपका नहीं रहेगा मैंने यहां से इसको कॉपी कर दिया ठीक है तो मुझे ए पता चल गया और मेरा पे पे आपका जो आपका जो जो है है बी मुझे पता चल गया तो हम लोग यहाँ पे आते हैं तो देखो कैसे कैलकुलेशन आपको करनी है यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया सबसे पहले हम लोग ए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू राउंड करेंगे वैल्यू को ऑफसेट मेरा कितना था आपका सिक्स हंड्रेड एम ए तो मैं यहाँ पे पॉइंट सिक्स एम एम लूंगा उसके बाद प्लस फुटिंग के अंदर मेरा कितना रे जा रहा था बारह सौ पचास एम एम तो यहाँ पे मीटर के अंदर इसके अलावा कवर माइनस करेंगे कवर फुटिंग के अंदर तो मेरा कवर माइनस नहीं होगा क्योंकि फुटिंग के अंदर तो मेरा कंप्लीट जा रहा है लेकिन जहां पे मेरी राफ्ट का एंड हो रहा है वहां पे मेरा कवर जो है वो आपका 50 एम एम का माइनस होगा तो वन साइड कवर यहाँ पे मेरा माइनस होगा जो कि मेरा होगा कितना जीरो ठीक है फिफ्टी एम एम ये ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू मेरी आ गई एट अब मुझे बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बी मेरा क्या आपका जो मेरा ये एल है आपका तो बी कैसे कैलकुलेट होगा टोटल मेरी जो राफ्ट की डेप्थ है अगर आप यहाँ पे ड्राइंग के अंदर आओगे सेक्शन के अंदर चलोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेरी जो राफ्ट है उसकी जो थिकनेस है वो आपका सेवन हंड्रेड एम एम है तो सेवन हंड्रेड एम एम है और मुझे ये जो मेरा एल है वो कैलकुलेट करना है तो सेवन हंड्रेड एम एम में से अगर मैं टॉप साइड से और बॉटम साइड से अगर कवर माइनस कर दूंगा तो मेरा एल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा वापस एक्सेल के अंदर चलते हैं तो बी की वैल्यू मेरी क्या होगी इक्वल टू राउंड टोटल मेरी डेप्थ कितनी है सेवन हंड्रेड तो सेवन हंड्रेड पॉइंट सेवन होगा माइनस कवर हम लोग माइनस करेंगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव वन साइड और जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू साइड से दूसरी साइड से ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरी वैल्यू ये आ गई तो यहाँ पे ए और बी है आपका सिर्फ सी और डी यहाँ पे नहीं है इसके बाद बेंडिंग एनरस की अगर मैं बात करूँ तो नाइन्टी डिग्री का मेरा एक बैंड रहेगा यहाँ पे जिसकी जो कि मैं यहाँ पे आपका जो है बैंड नाइन्टी डिग्री के अंदर हमारा क्या माइनस होता है टू माइनस होता है ठीक है तो यहाँ पे मैं इक्वल टू राउंड करूंगा वैल्यू को 2D, 2, uh, multiply हम लोग करेंगे करेंगे आपका और मेरा कितना है? है तो Clear bracket close, enter करेंगे तो uh, जो है मेरी uh, जो बागंस है वो मेरा यहाँ पे जो है आपका क्या होने वाला है माइनस होने वाला है तो टोटल कटिंग लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी इक्वल टू दिस प्लस दिस और माइनस मेरा बेंडिंग अलायंस एंटर करोगे तो टू पॉइंट टू थ्री फाइव यहाँ पे मेरी जो है आपकी कितनी आ गई आपका ये मेरी कटिंग लेंथ आ गई इसके बाद आपका जो मेरा डाया है वो ट्वेंटी फाइव एम है नंबर ऑफ़ बार हमें कैसे कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ़ बार के लिए हम वापस से चलते हैं तो देखो मेरी फुटिंग का साइज कितना था आपका आ, मेरी फुटिंग का साइज़ है आपका यहाँ पे चार मीटर और मैं टॉप की बात करूँ तो टॉप मेरा आपका वन फिफ्टी एम सेंटर टू सेंटर था तो मैं वापस से एक्सेल के अंदर आता हूँ यहाँ पे इक्वल टू राउंड करेंगे और मेरी फुटिंग का साइज कितना है आपका फोर थाउजेंड तो यहाँ पे फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन फिफ्टी प्लस वन करेंगे कोमा ठीक है तो यहाँ पे देखो ट्वेंटी एट नंबर ऑफ बार जो है मेरी यहाँ पे आ रही है नंबर ऑफ सेट कितने सेट आएंगे वापस से चलते हैं तो देखो कितने सेट है मेरे आपका जितने भी मेरी एंड पे आपकी फुटिंग है फोर मीटर बाई फोर मीटर की तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह टोटल एट्टीन नंबर ऑफ फुटिंग है मेरी आपका तो सेम में यहाँ पे आपका 18 नंबर ऑफ सेट के अंदर यहाँ पे आपका 18 नंबर आ जाएगा और वापस से जो हम लोग इफ कंडीशन को यूज करके आपका जो है यूज करते हैं वो सेम आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हैं या फिर मैं वो फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूं इक्वल टू इफ दिस इक्वल टू ट्वेंटी फाइव देन मल्टीप्लाई करना है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कोमा जीरो ब्रैकेट क्लोज एंड ठीक है तो टोटल इतने मीटर जो है मेरे पास यहाँ पे आपकी बार आ गई इसके बाद में अब ये तो था मेरा एंड वाला अब मुझे आपका बीच वाला जो पार्ट है वो मुझे आपका कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा उसके लिए वापस से हम लोग जो है आपका यहाँ पे चलते हैं अब यहाँ पे देखो मेरी सिर्फ स्ट्रेट बार रहेगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेरा एल नहीं है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने आपका ड्रॉ किया था ये वाले रे हम लोगों ने ड्रो किया था बीच की जो मेरी आपकी डिस्टेंस है साथ ही साथ आपका 1250 इधर मेरा जा रहा है और 1250 मेरा जो है आपका यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे देखो 3625 मेरी टोटल लेंथ है इसके बाद बारह मेरा इस फुटिंग के अंदर जा रहा है और बारह ही मेरा आपका इस वाली फुटिंग के अंदर यहाँ पे जा रहा है तो फिर वापस से आते हैं एक्सल के अंदर और यहाँ पे सेप ऑफ द फुटिंग के अंदर आते हैं नेक्स्ट बार के अंदर आपके यहाँ पे सेप ऑफ द फुटिंग हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जो कि मेरी रहेगी आपका क्या स्ट्रेट बार इसी को कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं इस तरीके से और ये मेरी वैल्यू सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगी आपका ए रहेगी कोई बेंडिंग अलाउंस वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि मेरी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट बार आएगी आपका वापस से चलते हैं फुटिंग के अंदर और यहाँ पे टॉप बार मिड पोर्शन ठीक है डाया मेरा सेम रहेगा ट्वेंटी फाइव एम का अभी नंबर ऑफ बार जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे फुटिंग का साइज अब मेरा आपका फोर्टी थ्री हंड्रेड है यहाँ पे मेरा फुटिंग का साइज फोर थाउजेंड था इसी को कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे फोर थाउजेंड को हम लोग जो है चेंज कर देते हैं फोर्टी थ्री हंड्रेड के अंदर इसके अलावा अब देखो यहाँ पे सिर्फ मुझे ए कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू राउंड करेंगे वैल्यू को लेफ्ट साइड मुझे फुटिंग के अंदर कितना जाना है बारह सौ पचास तो वन पॉइंट टू फाइव

ठीक है तो यहाँ पे सीधे कटिंग लेंथ मेरा जो है आपका यहाँ पे सेम जो मेरी ये वैल्यू है यही आपका यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ सेट आप यहाँ पे गिन सकते हो कि कितने नंबर ऑफ सेट हैं तो इस तरह की जो मेरे नंबर ऑफ सेट हैं वो कितने सेट आएंगे आपका यहाँ से स्टार्ट होएगा आपका एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सॉरी ये तो चार मीटर के अंदर चला जाएगा यहाँ से स्टार्ट होएगा आपका फर्स्ट एक दो तीन आ, चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह टोटल पंद्रह नंबर ऑफ़ हमारे यहाँ पे जो है आपके सेट रहेंगे तो फिफ्टी नंबर ऑफ सेट यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद में सेम वैल्यू आपकी यहाँ पे ये यह कॉपी हो जाएगी तो इस तरीके से मेरा जो है टॉप बार का जो रेनफोर्समेंट है वो इस तरीके से आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो गई ऐसे ही हम लोग जो है आपका सेम रहेगा आपका क्योंकि जैसे टॉप में रेनफोर्समेंट प्लेस की है सेम वैसे ही हम लोगों ने आपका जो है बॉटम के अंदर भी आपका रेनफोर्समेंट प्लेस की है मेन क्रॉस आप जो है इसके अकॉर्डिंग जो है आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो तो इस तरीके से हम किसी भी राफ्ट फाउंडेशन का जो है आप, आ, का जो बी है वो बड़े ही आसानी से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो याद रखना जब भी आप बीबीएस बनाते हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सबसे पहले आपको ड्राइंग को रीड करना है हमने यहाँ पे प्लान देखा प्लान के अंदर मुझे क्या दिखा कि यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन भी है और आइसोलेटेड फुटिंग भी है अब राफ्ट फाउंडेशन का रेनफोर्समेंट आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर किस तरीके से जा रहा है वो हमें कैसे पता चला हम गए इसकी जो सेक्शन हमारा कट था हमने सेक्शन देखा सेक्शन के अंदर मुझे क्या पता चला कि मेरे जो राफ्ट का सरिया था वो मेरी आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर 1250 सौ पचास इंसर्ट किया गया था यहाँ पे देखो आप सीधे सीधे लिखा हुआ है कि 1250 आपका जो है यहाँ पे इंसर्ट किया गया ठीक है तो हम लोगों ने आपका फुटिंग टू फुटिंग डिस्टेंस निकाली उसके बाद में 1250 लेफ्ट साइड 1250 राइट right साइड दोनों को जो आपका रेनफोर्समेंट है वो एड किया और अपनी कटिंग लेंथ कैलकुलेट की इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एंड में मेरा जो रेनफोर्समेंट गया है वो कुछ इस तरीके से था ऑफसेट तो mm था और बाकी मेरा जो एल आएगा उसके अकॉर्डिंग mm फुटिंग का एल आएगा वो डेप्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया और जो भी उसमें से आपका कवर माइनस करना है बेंडिंग अलाइंस माइनस करना है वो माइनस करके कटिंग लेंथ हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो इसीलिए जब भी बीबीएस प्रिपेयर करो सबसे पहले आप अपनी ड्रॉइंग को समझो कि एक्चुअल में आपकी ड्राइंग क्या कह रही है किस तरीके से उसके अंदर एनफोर्समेंट की प्लेसिंग की गई है उसके बाद ही आप बीबीएस बनाना जो है आप स्टार्ट करो अगर आप ड्राइंग को समझ गए तो आपको बीबीएस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसके अलावा कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी उसको मेंशन कर सकते हो या फिर नीचे स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए गए इस नंबर्स पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको रेगुलर हमारे चैनल पर जो है आपको देखने को मिलेगी साथ ही साथ एंड करने से पहले अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी टॉपिक का नाम आप मेंशन कर सकते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओके थैंक यू